नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे जीके के टॉप 30 प्रश्न पे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को परमा एजुकेशन को, फिर इसके बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए एक बार अपने अपने ग्रुपों में सुबह के टाइम है जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से शेयर करिए और सभी लोग तैयार होइए जीके के 30 प्रश्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं दिन और रात, ठीक है। यहाँ पे पहला करा है कि दैनिक गति के कारण हो रहा है, दूसरा करा है कि वार्षिक गति के कारण होता है, तीसरा करा है कि छमाही गति के कारण, और चौथा करा है कि तिमाही गति के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा पहले का, जल्दी से बताइए। सकारात्मक सोच के साथ, सुबह की पहले सोच के साथ और एकदम सही ढंग से प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए, दिन एकदम अच्छे से होंगे। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के दिन और रात होते हैं, यहाँ पे दैनिक गति के कारण होते हैं या वार्षिक गति के कारण होते हैं, छमाही या फिर तिमाही। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा दैनिक गति, यानी जो रोज की क्रियाएँ हैं, रोज पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। और यहाँ पे देखिए वार्षिक यानी साल में अगर एक बार होगा तो 365 दिन में एक वर्ष होता है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया। छमाही यानी 6 महीने की बात कर रहा है, नहीं तिमाही, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह क्या कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी से बताइए। बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या फिर शुक्र है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या जाएगा। अब याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और लास्ट में कौन कौन से है, ये सभी प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे यहाँ पर बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पर पहले के साथ जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और छोटा ग्रह आप लोगों को पता ही है अगले प्रश्न में है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगला ये कर रहा है हमारा प्रश्न कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऊपर पूछा था सबसे बड़ा ग्रह और यहाँ पे तीसरा पूछ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह मंगल है, शनि है, बुध है या फिर नेपच्यून है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का, जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बुध है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पता ही है कि सबसे बड़ा जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक है, याद रखिएगा बुध है। और तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है, ठीक है। अब देखिए पहला कह रहा है कि प्रशांत महासागर से, दूसरा कह रहा है हिंद महासागर से, तीसरा कह रहा है कि अर्टांक्टिक महासागर से, और यहाँ पे तीसरा चौथा करा है कि अन्य, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। यहाँ पे महासागर से पूछा है, ठीक है। तो बताइए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा चौथे का हमारा यहाँ पे हिंद महासागर से बनता है, ठीक है, हिंद महासागर से बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पर, देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। अब देखिए क्रोड की जो अगर बात कर रहा है तो ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये आपका इसका भाग है, आंतरिक भाग है, और यही जो इसका बीच का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा यही जो इसका बीच का भाग होता है, ठीक है, यही होता है क्रोड, ठीक है, यही क्रोड है पृथ्वी के बीच का भाग, ठीक है। बीच का भाग जो है ये पृथ्वी का, ये देखिए ये पृथ्वी का भाग है, यही क्रोड है, ठीक है, एकदम बीच का भाग। और इसके बीच के भाग में क्या पाया जाता है, पहला कह रहा है कि यहाँ पे तांबा और जस्ता, दूसरा कह रहा है कि निकेल और तांबा, तीसरा कह रहा है कि लोहा और जस्ता, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि लोहा और निकेल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा पूछ रहा है कौन सा होगा, यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, लोहा और निकेल पाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, आपको बता दें कि लोहे और निकेल के ऊपर ठीक यहाँ पे ग्रेड पाया जाता है, यानी जो आपकी जो हीरे होते हैं जिसका बना होता है, ग्रेनाइट पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है, फिर इसके ऊपर जो होता है आपका निकेल और तांबा का, यहाँ पे जस्ता और तांबा का अधिकतम आता है, फिर इसके बाद आपकी जो धरातल रहते हैं उससे वो आपका आ जाता है। यहाँ पे चार भागों में यहाँ पे विस्तृत किया गया है, ठीक है, बांटा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, पाँचवें का चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है कि मैगजीन
ठीक है, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा, यानी प्रथम किसका स्थान है मैगजीन के, और दूसरा स्थान तो भारत का है, यहाँ पे लिख दिया है कि दूसरा जो भारत का दूसरा स्थान है मैगजीन के उत्पादन में, लेकिन पहले स्थान पे कौन है, फ्रांस है, रूसी संघ है, या फिर कनाडा है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, छठे का, छठे का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि छठे का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, रूसी संघ के जाएगा, संघ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा देश उत्पादक कौन सा है, ब्राजील है, भारत है, अमेरिका, या फिर चीन है। तो राइट आंसर आप जल्दी से बताइए, कि ये प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, कि जो कोयला है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या कौन है, ब्राजील है, भारत है, अमेरिका है, या फिर चीन है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा अमेरिका के साथ जाएगा, ठीक है। अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा चीन के साथ जाएगा, और तीसरा जाएगा भारत के, चौथा यहाँ पे ब्राजील के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ पे देखिए जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि याकोहामा, याकोहामा कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए, पहला होगा ओसाका, दूसरा टोक्यो, तीसरा नागासाकी, चौथा कह रहा है याकोहामा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा आठवें का, तो आठवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा ओसाका, ठीक है। यहाँ पे पूछा है मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है, ओसाका, टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक है, नागासाकी जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था, ठीक है, परमाणु बम गिराया था, ठीक है। और पूछा है क्या है यहाँ पे, मैनचेस्टर पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ओसाका होगा, जहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होती है, उनके लिए एक अलग ट्रिक बनाया गया है चलने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न के साथ, देख लेते हैं नवा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यहाँ पे कह रहा है कि डेकोन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। पहला कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, और चौथा कह रहा है कि ब्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो नौवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यहाँ पे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दसवें प्रश्न पे, देख लेते हैं दसवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दसवां ये कह रहा है कि भारत, यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। पहला कह रहा है लॉर्ड केनिंग, दूसरा कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग, और तीसरा कह रहा है कि जॉन मंथाई, और चौथा कह रहा है कि अन्य। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के गदर के समय, ठीक है, गदर के समय भारत के यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो दसवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए दसवां यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ये अमेरिका के थे, और इन्होंने पहला कदम अपना चांद पे रखा था, तो ये वैज्ञानिक है, ये कट गए। और जॉन मंथाई जो है बस एक नाम की तरफ रखा गया है, और पूछा है कौन गवर्नर है, तो यहाँ पे अन्य तो ऐसे भी नहीं आएगा, लास्ट जो पहला जाएगा आंसर राइट हमारा पहला होगा लॉर्ड केनिंग, ठीक है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्यारहवें प्रश्न पे, देख लेते हैं ग्यारहवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, यानी भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। यहाँ पे कह रहा है कि अशासकीय संस्था ने, दूसरा कह रहा है आर्य समाज ने, तीसरा कह रहा है ब्रह्म समाज ने, चौथा कह रहा है कि अन्य। तो राइट आंसर हमारा ग्यारहवें का कौन सा होगा, तो ग्यारहवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे चौथे कौन से ऑप्शन पे आप टिक कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए कि आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा आर्य समाज, आर्य समाज ने ही भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, और यही इनके आर्य जो हैं भारत के यहाँ के निवासी, ये यहाँ पे पश्चिमी दिशा से आए थे, और बता दें कि इन्होंने ही भारत की नींव रखी थी आर्य समाज ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बारहवें प्रश्न पे, देख लेते हैं बारहवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा है, सिंधु है, और कोसी है, या फिर कराए गोदावरी है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग, कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर
जाने वाली बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ पे करा है कि पहला नर्मदा, दूसरा करा है कि सिंधु, तीसरा करा है कि कोसी, चौथा करा है कि गोदावरी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा नर्मदा नदी जो है ये यहाँ पे विंध्याचल और यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जाने बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया था। कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने प्रायोजित किया था। यहाँ पे कह रहा है कि पूंजी मुद्दे ने, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है DLF ने, और तीसरा कह रहा है कि SEBI यानी SEBI BBI ने किया था, और चौथा कह रहा है कि अन्य ने। तो राइट अन्य का तात्पर्य यह है कि किसी और ने किया था। यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा कौन सा, 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि 13वें का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा SEBI के साथ जाएगा, इन्होंने ही इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड संस्था की स्थापना की थी, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते थे, यानी किसी भी उपयोगी कार्यों में आप लगा सकते थे इस फंड को, इस पैसे को लगा सकते थे। ठीक है, जहाँ पे इसकी योग्यता होगी, जहाँ पे इसकी आवश्यकता होगी, वहाँ पे SEBI यानी SEBI ने इस फंड प्रोटेक्शन का स्थापना किया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवाहा कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक, यहाँ पहला कह रहा है कि केरल राज्य में, और दूसरा कह रहा है कर्नाटक राज्य में, तीसरा कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में, और चौथा कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 14वें का, जल्दी से बताइए कि कौन सा हमारा होगा। देखिए नाम मिलता जुलता है किस राज्य से, यहाँ पे कह रहा है कुंडवा, यहाँ पे कुंडापुर, और यहाँ पे करा है करवारा कच्छ। तो ये राज्य मिलता जुलता है किससे, कर्नाटक राज्य से, यहाँ की बोल भाषा ऐसे ही है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरे से जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 15वां प्रश्न ये कह रहा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ये अभी जल्दी ही शुरू की गई थी, इस परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री देश के। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि कावेरी नदी, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे गंडक नदी, और यहाँ तीसरा करा है कि दामोदर नदी पे, चौथा करा है कि यमुना नदी पे। तो राइट आंसर 15वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि देखिए ये कहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशी परियोजना, ये देखिए बहुत ही लंबी, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी ये क्या थी, परियोजना थी, ये एक ब्रह्मपुत्र नदी थी, उसके ऊपर से इसे बनाया गया है पुल को। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये 2.5 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला राइट आंसर होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 16वां यह कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा, यहाँ पे कह रहा है कि एटॉमिक प्लांट। ठीक है, कौन सा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्रथम यहाँ पे स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। पहला कह रहा है कि तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा कह रहा है कि टेकिनोम परमाणु संयंत्र, तीसरा कह रहा है कि कुंडमकुलम परमाणु संयंत्र, और चौथा कह रहा है कि अन्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 16वें का, जल्दी से बताइए। कि राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, नहीं कि कुंडम को यहाँ पे कुंडमकुलम पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम UK में शामिल है, कौन सा शामिल है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, दूसरा कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, और तीसरा कह रहा है कि स्कॉटलैंड और वेल्स, और चौथा कह रहा है कि ए और डी दोनों। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पे डी के साथ रखना चाहिए था इसको, सी को। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, कौन शामिल है, जल्दी से बताइए। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 18वां प्रश्न ये कर रहा है कि आगरा शहर किसने बसाया था। ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि आगरा शहर है इसे किसने बसाया था। पहला करा है सिकंदर लोदी ने, तीसरा करा है अकबर ने, तीसरा करा है कि बहरोल लोदी ने, और चौथा करा है कि शाहजहां ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। और एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है किसने बनाया था,
ताजमहल किसने बनाया था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितनी आप लोगों की बुद्धि तर्क करती काम करती है। किसने बनाया है ताजमहल को, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18वां करा है आगरा शहर, किसने बसाया था, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा, तो राइट आंसर कौन सा होगा 18वें का हमारा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो आएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, और अकबर ने वहाँ पर आया आके वहाँ पर राज किया था। ठीक है, तो शाहजहाँ ने यहाँ पर ताजमहल बनवाया था। और आपसे प्रश्न हमने पूछा था, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बताइए कि 19वां का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, पहला करा है पुराण, दूसरा करा है जातक, तीसरा करा है कि यहाँ पे मुदकोपनिषद, और तीसरा करा, चौथा करा है कि महाभारत से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, यानी जो आप देखते होंगे जो एक का सिक्का पहले का था, उसके नीचे लिखा रहता था सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते, तो वो कहाँ से, किस भाग से लिया गया था, यहाँ पे पुराण से लिया गया था, जातक से लिया था, या फिर मुदकोपनिषद से लिया गया था, या फिर महाभारत से लिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 19वें का, 19वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे मुदकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, यहाँ इसमें लिखा था सत्यमेव जयते। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, ऑप्शन में भी आया था कि जो ताजमहल है किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लोग को एक बार फिर बता दिया जाएगा, और उसके उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए 20वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि गुरुमुखी, तीसरा कह रहा है ब्राह्मी, तीसरा कह रहा है कि देवनागरी, और चौथा कह रहा है कि हियरोग्लाइफिक्स। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। तो पहला होगा गुरुमुखी, तीसरा होगा यहाँ पे दूसरा होगा ब्राह्मी, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे देवनागरी, चौथा कह रहा है कि हियरोग्लाइफिक्स। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 20वें का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी में अशोक सिक्का शिलालेख की लिपि थी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 21वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अपने उत्तर सभी लोग दीजिए। ठीक है, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैराथन में करा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मैराथन में प्रश्न करा दिया गया था। और देखिए इसमें क्या होता है, बहु जो होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे 14 से 15, ठीक है, 14 से 15 नवंबर को क्या किया जाता था, इसे उत्सव को मनाया जाता था। और याद रखिएगा ये कहाँ मनाया गया था, ये अस्थाई, इसमें छप्पर पहले दिन अस्थाई छप्पर भी का निर्माण भी किया जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा, बहु निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का, या फिर बंगाल का है। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि 21वें का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बता दिया गया था, जो राइट आंसर होगा बिहू जो होता है, ये आपका असम राज्य से, ये कब मनाया जाता है बिहू, ये फसल की, ठीक है, फसल, और कौन से फसल के, चावल के, ठीक है, चावल, चावल के फसल के कटने के उपलक्ष्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता था, और 14 से 15 नवंबर को मनाया जाता था, याद रखिएगा। और इसमें जो होता है आखिरी दिन क्या किया जाता था, एक अस्थाई छप्पर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे असम के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 22वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 22वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल्स कहाँ स्थित है, यानी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। पहला यहाँ पे करा कि अंडमान निकोबार में, दूसरा करा कि लक्षद्वीप में, तीसरा करा कि केरल में, और चौथा करा कि तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 22वें का, जल्दी से बताइए कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, केरल में, या फिर तमिलनाडु में। तो 22वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ पे बहुत ही कम निवास करते हैं भारत के लोग, लेकिन यहाँ पे आपके जो साइंटिस्ट प्रायोगिक कार्य किया जाता है बहुत ही अधिक किया जाता है, यहीं पे परीक्षण कार्य अधिक होता है, और लक्षद्वीप पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो यहाँ पे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 23वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था सबसे पहले, और जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला पहले के साथ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं इनको राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किया था कि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने मार्गदर्शक किया था भारत का, ठीक है। इसके नेतृत्व में अंग्रेजों को देश से भगाने में बहुत ही सहायता मिली, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 24वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 24वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम गोलमेज, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ मनाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा 24वें का जल्दी से बताइए आप लोग। 24वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे लंदन में मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 25वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 25वां प्रश्न ये कर रहा है कि देश का लोह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी, और चौथा कह रहा है यहाँ पे लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, इन्हें ही लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें लोह पुरुष क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें लोह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आँखें हैं इसमें फोड़े हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर के पास गए थे या कुछ लोगों के वैद्य के पास गए थे, उनसे कहा था कि इसे ठीक कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, और किसी ने इनको कहा कि आप लोहे के छड़ को वहाँ पर छुआ दीजिए जिससे वो फोड़ा फट जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने अपने साहस को प्रबलता से रखते हुए अपने हाथों से ही उस फोड़े पे क्या किया था, छड़ को गर्म लोहे से उसे छुआ दिया था, ठीक है, आँखों के जस्ट ऊपर था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, लौह पुरुष। और बता दें कि इनकी जो मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में जो मूर्ति बनी है, इनकी सबसे ऊँची मूर्ति बनी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसे आपको बता दें कि एक नया अध्याय जुड़ गया है कि 8वें अजूबे के रूप में, ठीक है, 8वें अजूबे के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को शामिल कर लिया गया है। 8वें पहले 7 अजूबे थे, लेकिन भारत के अब 2 हो गए हैं, ताजमहल और सरदार भाई वल्लभ पटेल की मूर्ति, ठीक है, और सबसे ऊंची मूर्ति भी है भारत की, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 26वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 26वें प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा, महात्मा गांधी को यहाँ पे अधनंगा फकीर किसने कहा था, हिटलर ने कहा था, जिन्ना ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, माउंट वेटल ने कहा था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा 26वें का जल्दी से बताइए कि 26वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा को यहाँ पे अधनंगा फकीर किसने कहा था, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, या फिर कहा था माउंट टेबल, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चर्चिल के साथ जाएगा, इन्होंने ही कहा था कि अधनंगा फकीर। क्यों कहा था अधनंगा फकीर, इनको इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको देखिए, इन्होंने ये कहा था कि अगर आपको पैसे दिए जाए या फिर ज्ञान दिए जाए तो आप किसको ग्रहण करेंगे, किसको लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था मैं पैसों को लूँगा, महात्मा गांधी ने कहा था मैं पैसों को लूँगा। तो इन्होंने, चर्चिल ने कहा था कि आप बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, ठीक है, आप तो बहुत ही फकीर हैं, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, आप पैसे लेना चाह रहे हैं, दिमाग क्यों नहीं। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने हंसते हुए कहा था कि मेरे पास तो दिमाग है लेकिन मेरे पास क्या है, धन नहीं है, तो मैं इसे ही लेना चाहूँगा। आपके पास धन था, दिमाग नहीं था, इसलिए आपने क्या किया, बुद्धि को लिया, लेकिन मेरे पास दिमाग है और मैं पैसे को लूँगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था इनको, कि अधरंगा फकीर कहा था, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 27वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यहाँ पे कराया कि बर्नार्ड शाह, दूसरा कराया कि लियो टाल स्टाय, और चौथा, तीसरा कराए कि कार्ल्स मार्क्स, और चौथा कराए कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या आता, क्या होगा, कि महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए थे, यहाँ पे बर्नार्ड शाह से, या फिर लियो टाल स्टाय से, और तीसरा कराए कि कार्ल्स मार्क्स से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा 27वें का। तो 27वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे लियो टाल स्टाय, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ पे वकालत जो थी यहाँ उन्होंने यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे उसे छोड़ कर, त्याग कर ये अपने देश चले आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसे तो आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3 से, ये शायद 3 से या 4 से आप लोगों को मिल जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे आपको बता दें उसमें कौन था, वैभव था, ठीक है,
वैभव, ठीक है, वैभव नामक, वैभव वैशाली, वैशाली नामक दो लड़कियां थीं और विद्यालय में गांधी जयंती मनाया जा रहा था। शायद मुझे याद है कुछ कुछ कि वैभव और वैशाली नामक दो लड़के थे, उन्होंने ही इस पाठ में महात्मा गांधी से पूरी जानकारी वहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा महात्मा गांधी के बारे में पूरा ही। कक्षा 3 में दिया है एनसीईआरटी के बुक में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे 1859 में हुआ था, 1869 में हुआ था, 1879 में हुआ था, या फिर 1889 में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 28वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 1869, ठीक है, 1869 में हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, 1869 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए एक बार इन्होंने चोरी किया था, चोरी करने के उपरक्ष में इन्होंने क्या किया था, अपने हाथ की जो कड़ा था उसे बेच दिया था, ठीक है, हाथ के कड़े को इन्होंने क्या किया था, बेच दिया था, ठीक है। तो इनके पिता ने बहुत डांट लगाई थी, तब से इन्होंने अपनी चोरी करना छोड़ दिया था। लेकिन पता नहीं चोरी करते थे कि नहीं करते थे, जो भी लिखा जाएगा वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें तो पता नहीं है उतना, जितना लिखा जाएगा, जितना बताया जाएगा वही पता होगा। हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो कौन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, अगर आप देखते तो पता चलता। तो यहाँ पे देखिए 29वां ये कह रहा है हमारा कि पंजाब केसरी के नाम से एक विख्यात थे, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, या फिर यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। तीसरा कह रहा है कि गुरु नानक, चौथा कह रहा है कि लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जो रजनीत सिंह थे, गुरु गोविंद थे, गुरु नानक थे, ये लोग क्या थे, प्रवर्तक थे, ठीक है, यहाँ पे सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और ये लाला लाजपत जो थे, राज थे, ये भारत के एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न के आगे, देखते हैं अंतिम प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, सुवर्णरेखा, सोन, यहाँ पे गंडक, या फिर कोसी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, हमारा राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे गंगा की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे सवर्ण होगा, यहाँ पे सोन होगा, या फिर गंडक होगा, या फिर कह रहा है कि कोसी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए सोन भी होगा, गंडक भी होगा, कोसी भी होगा, लेकिन यहाँ पे सुवर्ण जो होती है ये नहीं है, ये सुवर्ण रेखा है, याद रखिएगा ये रेखा है, ठीक है, रेखा की बात किया है यहाँ पे। देखिए ये तीनों जो है नदियाँ हैं और ये रेखा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले से आ जाएगा। और आपसे प्रश्न एक पूछा गया था, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल को किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, उसका उत्तर, ठीक है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आता है। और एक बात और आपसे पूछना था कि भारत विकसित देश है या फिर विकासशील देश है, तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही शेयर करना ज़रूर करें, ठीक है, शेयर ज़रूर करें। आज के प्रश्न जीके कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा अपनी राय, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उसी नाम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, उसे आप लोगों को ग्रुप में, जो पुराना ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, उसमें से जाके आप नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ कमियां आ गई हैं, कोई बच्चा छेड़खानी कर दिया है टेलीग्राम चैनल को, जिसमें से हर एक सभी लोगों को 5-5, 10-10 लोगों को क्या कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, हटा रहा है, ठीक है। तो नया ग्रुप बन गया है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, उसे सुरक्षा के साथ बनाया गया, आप उसमें क्या करिए, जाके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, ठीक है। तो आप लोगों को लिंक क्लास भेज दिया जाएगा पुराने वाले ग्रुप में, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।